तृप्त हो गए। कितना समझेगा आदमी एक बार में? आदमी जो करता है सुखी होने के लिए करता है। ये देखो अब दौड़ लगाएंगे। हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी चलें बोलिए। बोलो भैया। हाँ जी ब्रेक के पहले जितनी चर्चा की उसमें से कोई कन्फ्यूज़न कोई क्लैरिटी बनी? ब्रेक के पहले जो कुछ चर्चा किया उसमें से कुछ क्लैरिटी बनी कुछ उपलब्धि हुई कोई कन्फ्यूज़न है तो बोली। भैया हाँ जी आपने जब ब्रेक से पहले आपने एक बात बताई थी व्यस्तता को लेकर कि जब हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जब मुझे अपने आप में ऑब्जर्व किया कि ये अक्षमता ही है मेरी कि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ तो वही मेरी मतलब उसको आपने व्यस्तता के और ओवर थिंकिंग के रूप में बताया। तो अपने अंदर जब ऑब्जर्व किया तो पहले ऐसा होता था कि जब बात करना आता नहीं था कि कुछ भी शब्द आना कोई किसी चीज़ को लेके क्लियरिटी थी नहीं पर धीरे धीरे जब भाषा सीखी या चीज़ें हुई तो एक ये अपने अंदर देखा कि मैं हिंदी में अच्छे बात समझा पाती हूँ। पर जब ये जीवन विद्या आने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मेरी ये भाषा में भी हमेशा इधर उधर होता रहता मतलब वो स्थिर नहीं रह पाती ठहराव नहीं होता भाषा में। तो जब आपने एक चीज़ बताई कि जब हम इतना हमारी स्थिति नहीं होती है कि हम डिसीजंस ले पाए तो जब मैं मतलब तुलन क्रिया और विश्लेषण में बहुत ज़्यादा अटके हुए रहते हैं तो एक चीज़ वहाँ से ऑब्जर्व हुई कि मेरे तुलन में तो आता है प्रिय हित लाभ इसके पीछे कोई दो राय नहीं है बट विश्लेषण में हमेशा ट्रैफिक ऑफ थॉट्स आ जाता है मतलब इतने थॉट्स आते हैं कि ये कर ले वो कर ले ऐसा होता तो ऐसा होता ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। तो जब ये चीज़ें आती है तो समझ में आता है कि मतलब कहीं ना कहीं उस चित्रण की भी ये कह सकते हैं ट्रैफिक से होंगे कि इतना कुछ कलेक्ट कर रखा है कि पता ही नहीं चल रहा कंक्लूजन क्या निकाले। तो एक ये चीज़ दिखी मुझे बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। देखिए, एक अच्छा अध्ययन की एक परिभाषा है कि न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना अध्ययन है ना? अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना अध्ययन है। तो बहुत सारा निष्कर्ष या कुछ निष्कर्ष हमारे पास है लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ है। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ों को ये मानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, हम वही करते हैं या वही करते रहते हैं, इसका मतलब है कि निष्कर्ष तो आया है लेकिन अभी अपने को स्वीकार नहीं हुआ है ना? क्योंकि प्रियहित लाभ के लेवल पे जो सुख का आदत बना हुआ है और न्याय धर्म सत्य के लेवल पे अभी और क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, इस बीच में गाड़ी कहीं है। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे तो ये स्वीकार हो जाएगा, तो अपन हल्के में हो जाते हैं। यही दबाव भी हमारे ऊपर रहता है, जिसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ मैं वही कर रहा हूँ, तो खुद के भीतर से गिल्ट, अपराध बोध है ना, अपने गलत होने का एहसास मेरे को बार बार आता है और ये मेरे भीतर मेरे को थकान पैदा करता है यार। हाँ जी, बढ़िया। तो बेसिकली है समझ में आया तो है के साथ जीने की जगह बनी। जो हम ये कह रहे हैं कि राग द्वेष से प्रभावित नहीं होना है और समता भाव में बने रहना है, तो राग द्वेष से प्रभावित नहीं होना है, क्या नहीं होना है वो कह रहे हैं, लेकिन जीना किसके साथ है यदि वो चिन्हित नहीं हो पा रहा है, तो अपने में मानव लक्ष्य चिन्हित नहीं हो पा रहा है, तो केवल अप्रभावित रहना है। देखिए ये बढ़िया सूत्र है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना स्वयं की योग्यता है। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना स्वयं की योग्यता है, ये कोई समाधान नहीं है, ये केवल ध्यानाकर्षण का बिंदु है, इससे कोई ठीक नहीं हो जाता मेरे अंदर। ठीक कहाँ होता है? मुझको सुख की तलाश है, जब मैं सुख पे लैंड करता हूँ या मैं जब सुखद स्थितियों को पा जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके मैं आराम में आ जाता हूँ। तो सुखद स्थिति कहाँ है? हर परिस्थिति में मेरे पास समाधान का होना। जैसे हमने शुरू में भी यह बात की थी कि समस्या हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, समाधान का ना होना हमारे लिए समस्या है, और समाधान का ना होने का मतलब दूसरा मेरे लिए समस्या नहीं है, मैं खुद मेरे लिए समस्या हूँ कि मेरे को क्यों जीना है, कैसे जीना है, कि क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो ईश्वर अपने आप में शुद्ध है, सुख स्वरूप है, ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, है ना, आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। ये मेरे आराम करने की जगह बनी, क्योंकि इससे अधिक मानव का और कोई आयाम नहीं होता है। तो जब तक मेरे पास अपना घर नहीं है तब तक दूसरों के घरों को देख के परेशान नहीं होना, उनके उनमें आकर्षण भी ना होना या उनसे नेगेटिव भी फील ना करना, तो ये सम विषम से मुक्त रहना तब हो पाता है
जब मैं मध्यस्थ को पहचान लेता हूँ, जब मैं पूर्ण को पहचान लेता हूँ, तो एक समाधानित मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है। तो जब तक उसको सत्य का पहचान नहीं होगा, सत्य पूर्वक सह अस्तित्व व्यक्त है ना, अस्तित्व में जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर क्लैरिटी नहीं होगा। मेरा होना क्यों है, इसका पर्पज़ क्या है, तो जब तक एंड टू एंड हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा और वो जीने के स्वरूप में नहीं होगा, तब तक दूसरों के प्रभाव से बचे रहना ये इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। बात पहुंच पाई है ना? हमारे पास अपना घर नहीं है। अपना घर का एक ही लाइन का मतलब है, ये अस्तित्व सह अस्तित्व है और ये अनुभव काल में आनंद के रूप में विचार काल में ये घर है मेरा। मैं किसी से व्यवहार करूं नहीं करूं, लेकिन मैं विचार और अनुभव काल में आनंद के रूप में मैं बना ही रहता हूं। तो अनुभव काल में आनंद बना ही हुआ है, विचार काल में समाधान बना ही हुआ है। अब मैं किसी से व्यवहार करता हूं तो ये बाद की बात है। इसलिए दो बढ़िया सूत्र है, सुखी होके करना या करके सुखी होना। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अभी वर्तमान हमारी जीवन शैली कैसी है, करके सुखी होना, इसी का नाम चिल है ना, करके सुखी होना। तो हम कुछ करके सुखी होना चाहते हैं, करके सुखी हो भी गए तो कितना मिलेगा, मोमेंट्री, क्षणिक, और उससे काम चलेगा नहीं। इसलिए सुखी होकर करते हैं तो करके भी सुखी होते हैं। जब करके सुखी होने की तलाश में रहते हैं तो कभी खुशी कभी गम होता है। बढ़िया, देखिए व्यवहार बोल रहे हैं, व्यवहार जीवन तृप्ति का साधन है या जीवन तृप्ति की बात है, और कार्य शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है। व्यवहार जीवन की आवश्यकता की पूर्ति है, कार्य शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है। व्यवहार मानव के साथ है, कार्य मनुष्यत्र प्रकृति के साथ है। व्यवहार की उपलब्धि समाधान के अर्थ में है और कार्य की उपलब्धि सुविधा के अर्थ में है। इसलिए मानव से ही व्यवहार हो सकता है, पशु से व्यवहार नहीं हो सकता। ना तो पशु को हमसे सीखना है क्यों जीना है कैसे जीना है, ना हमको पशु से सीखना है क्यों जीना है कैसे जीना है। जब दो मानव समाधान के अर्थ में जीते हैं, समाधान के अर्थ में आदान प्रदान करते हैं, है ना, तो ही हम उसको व्यवहार बोल सकते हैं। वो जीवन तृप्ति की बात है। जीवन तृप्ति नहीं हो रही है, इसी को हम गिला शिकवा शिकायत के रूप में पहचान, हमने व्यवहार करने की क्वालिटी हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी आप देखोगे एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, हो नहीं सकता, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, जिंदा रहने को जीना मानते हैं, तो एक भी संबंध शिकायत मुक्त हो नहीं सकता, ऐसा ही नियम है और ऐसा ही हम जी रहे। बढ़िया है, चांद क्या है? तो भैया इसमें जो जैसे व्यवहार कहाँ से होगा, हम कार्य ही कर रहे हैं। हमारा सारा लेन देन शरीर को नहलाना खिलाना, शरीर के लिए कमा के लाना, है ना, सोना प्रजनन, सब कार्य ही है। यही चीजें फिर जब हम समाध ज्ञान की रोशनी में जिएंगे तो यही बहुत सारी चीज़ों को फिर हम व्यवहार बोलेंगे। अभी वो कार्य कि शरीर अपने आप में बहुत एक रासायनिक वस्तु है, तो शरीर के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ और जीवन तृप्ति उसमें नहीं है। देखो जीवन शरीर के लिए है कि शरीर जीवन के लिए है? हाँ जी, सोच के बोलिए, जीवन शरीर के लिए है कि शरीर जीवन के लिए है? हम कैसा जी रहे, जोर से बोलो, जीवन शरीर के लिए है। इसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? हम सारी जिंदगी शरीर को सजाने में, शरीर के लिए कमाने में, शरीर को खिलाने में, शरीर के लिए घर बनाने में, सारी उस जिंदगी तो इसके लिए रहे, और जीवन का क्या होगा, उसकी तो चर्चा भी नहीं है। हम तो इसी को जीना मान रहे हैं, इसलिए भीतर में खालीपन है, बाहर में बहुत सारी सजावट है। स्वयं को शरीर माना तो शरीर को सजाया, स्वयं को जीवन रूप में पहचानेंगे तो जीवन को सजाएंगे,
और आचरण ही जीवन का श्रृंगार है। सर ये मूल्य मूलक ये टर्म का मतलब क्या है सर? मूल्य मूलक, मूल्य मतलब भाव, मूल्य मतलब भाव, फीलिंग, जो कंटिन्यूस फीलिंग है, जो शाश्वत फीलिंग है, उसका नाम मूल्य है। ऐसे मूल्य का मतलब होता है कोई चीज़ की उपयोगिता। तो एक भाई की बहन की जिंदगी में उपयोगिता, एक गुरु के शिष्य की जिंदगी में उपयोगिता, एक पति की पत्नी की जिंदगी में उपयोगिता, जो हमारी और मेरी इस धरती पे होने की उपयोगिता। तो मेरी इस धरती पे होने की उपयोगिता, इसका नाम मानव मूल्य है। पति की पत्नी के लिए उपयोगिता, ये दोनों के बीच में परस्पर मूल्य है। दोस्त की दोस्त के लिए उपयोगिता, ये मित्र मूल्य है, स्नेह मूल्य है। तो ऐसे ही जब हम परिवार की बात करेंगे तो मानव मानव की परस्परता में नौ स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य की बात करेंगे। मानव का अपने आप में, मानव स्वयं में एक व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी है, उसका नाम मानव मूल्य है। मानव मूल्य का मतलब है स्वयं के, स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं के परिवार में, समाज में, प्रकृति में मेरी उपयोगिता क्या है। तो मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है। किसी भी चीज़ की उपयोगिता, किसी भी चीज़ का उपयोगिता, किसी भी चीज़ का मूल्य उसके होने का प्रयोजन है, उसके होने का पर्पज़ है। और पर्पज़ यूनिवर्सल है, शाश्वत है। हाँ जी, और कुछ? सर फिर हम लोग अभी इसके पहले भी पढ़े थे कि मानव का उपयोग, उसके उस मानव का महत्व, वो जितना कितना उपयोगिता हो रहा है उससे पता चल रहा है। वही। और अब सो सर ये अभी हमारे ये अगर फाइनल लास्ट समाधान के साइड से हम अगर देखेंगे तो उसका आचरण शुड बी डिफाइंड बाई उसका पर्पस। हाँ। और आचरण से वही आवश्यकता है, मतलब जितने आवश्यकता है वो सब, जब आचरण वो समाधान के साइड से है तो वो पूरे हो जाते हैं, उसी में उपयोग, उसका उपयोगिता भी है और वही उसका मूल्य है और वही उसका महत्व भी है। तो सारे ओके ओके एक ही जगह आके लैंड कर जाते हैं। तो मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, और ये उपयोगिता ही मेरा सम्मान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी खुशी है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरे होने का पर्पस है, यही ये लोक है, यही परलोक है। मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व ही मेरी उपयोगिता है। और महत्व क्या है? मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य के अर्थ में जीना। मानव लक्ष्य के अर्थ में जीना ही मेरा महत्व है और ये अनंत है ना? अब इसका कितना भी विस्तार कर लो, एक व्यक्ति पूरे देश के लिए उपयोगी हो सकता है, एक जीवन के रूप में जागृत होने के बाद पूरे ब्रह्मांड के लिए उपयोगी हो जाता है। तो वो आदमी की उपयोगिता का विस्तार असीम है। हाँ जी, जब नीचे से ऊपर वाला ये वाला सर्किट बोल रहे हैं तब ये इंद्रियों से प्रभावित है। अब ये और फाइनली जब मन शरीर से प्रभावित हुआ तो फाइनली चित्रण में आके वो इच्छा बन गई और वो इच्छा व्यक्त होती है। तो बेसिकली सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, इसके आधार पे ही कोई चित्रण होगा। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जब मैं ऐसा चित्रण अपने में लाता हूँ तो चित्रण को बुद्धि देखता रहता है, तो उस चित्रण से बुद्धि सहमत नहीं होता है क्योंकि वो समझ के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे चित्रण से बुद्धि का सहमत ना होना, ये चित्त में असंतोष है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास सुखी होने का दबाव है तो मैं रुकता नहीं हूँ। उसके आधार पर मैं तुलन विश्लेषण करता हूँ। तुलन विश्लेषण करते समय विचार में कन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्विरोध रहता है, इसका नाम अशांति है। ऐसे अशांत विचारों के बावजूद सुखी होने का दबाव है,
किसी का अपमान करना है, किसी के लिए साथ कुछ गलत काम करना है, तो मैं ऐसा आस्वादन और चयन करता हूँ। ऐसा आस्वादन चयन करते हुए आशा की निरंतरता नहीं है, उसमें आशा निराशा है ना, दोनों शामिल है, इसका नाम दुख है। ऐसी चीज़ को एग्जीक्यूट करके सफल भी हो गया तो मिलने वाला सुख क्षणिक है, जो अपने आप में अतृप्ति है। तो इसका मतलब है कि जब भी मेरा चित्रण बुद्धि के अनुसार नहीं होगा, जब भी मेरा चित्रण सामान से सम्मान, सुविधा से सुख की तलाश में होगा, तो ये चित्रण पूर्ण है कि अपूर्ण है? ये चित्रण अपूर्ण है। इस चित्रण से कभी भी बुद्धि सहमत नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा हमारा जो, जिसको बोलेंगे, जो इच्छा के लेवल पे, या तो इच्छा अपने में ही गलत लगती रहे, या इच्छा के पूरा ना होने की संभावना हमको दिखती रहे, इसलिए इसमें हमेशा हम अस्थिर बने रहते हैं। हमारा पूरा डिज़ाइन ही गलत है। कितने लोग IIT जाएंगे, कितने लोग IIM जाएंगे, कितने गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम ही गलत बना हुआ है। कुछ लोगों का तय है, केवल इतना ही तय है कि इतने लोग जाएंगे और बाकी नहीं जाएंगे, ये पहले से तय है। अब ऐसे डिज़ाइन में मेरे सफल होने की कामना, तो मैं सफल होने की कामना के साथ रहता हूँ तो भी मैं अपने आप में अनिश्चित बना ही रहता हूँ, और हो गया तो अहंकार में चला जाता हूँ, और फाइनली डिलीवर होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी के साथ जीना होता नहीं है। कुछ भी काम करेंगे, घर में रहें, घर से बाहर रहें, जीना आदमी के साथ है, जीना स्वयं के साथ है। तो ना तो स्वयं में तृप्ति है, ऐसी मानसिकता के साथ जिएंगे, अनुभव तो दूर की बात है, विचार में अशांति रहना ही है। तो ये जो नीचे नेगेटिव, और जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शासन की प्रक्रिया है, इसमें मैं किसी को चलाता हूँ, कोई मुझको चलाता है ना, तो मानव को ये स्वीकार नहीं है कोई मुझको चलाए। जब मैं किसी को चलाता हूँ तो मेरे अहंकार का पोषण होता है, तो मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन फाइनली मैं जिसको चलाता हूँ वो चलना नहीं चाहता है, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है, तो कन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। भीतर भी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बाहर भी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन के साथ में हम कहीं पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए कभी ना कभी हमको लगता है कि बोर हो गए, या अब आगे कुछ नहीं दिख रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ इसमें, क्योंकि वो अतृप्ति तक पहुँचता ही रहता है। हाँ, विचारों में अशांति का भी यही मतलब है कि अभी मेरा जो तुलन है वो प्रियहित लाभ के स्थान पर है। न्याय धर्म उसको कहता है कि ये पूरा नहीं है, या वो कभी बिल्कुल ही अगेंस्ट में होता है। जब मैं अगेंस्ट में जा रहा होता हूँ, किसी के प्रति द्वेष का विचार आया, तो यदि प्रकृति को देखें तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व में द्वेष स्वीकार होगा कि उपयोगिता पूरकता स्वीकार होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएं ये स्वीकार होगा। तो कोई हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम किसी के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर ऐसे ही हैं कि मिलने चार कोई है, तो मैं कामना नहीं कर सकता कि सबका भला हो। वो डिज़ाइन ही ऐसा है, मैं कामना नहीं कर सकता कि सभी सफल हों। कुछ लोगों का असफल होना मेरी सफलता के लिए ज़रूरी है, इसलिए कन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा। बात पहुँच रही? न्याय धर्म सत्य का तुलन हुआ कि नहीं हुआ, इसको चित्त देखता है, ठीक है? और न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन हो गया है, इससे बुद्धि सहमत होता है, नहीं हुआ है, इससे बुद्धि असहमत रहता है। सब एक दूसरे के साथ लटके हुए हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि कोई बही खाता लेके बैठा है कि तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, अस्तित्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो बही खाता अपने ही अंदर रखा है, लगातार रखा हुआ, इतनी जगह में रखा है कि गुंजाइश ही नहीं है निकलने की, है ना? वो कई बार एयरपोर्ट पे या कहीं जाओगे ना, इतनी बार वही चेकिंग करते रहते हैं, अरे यार अभी तो दिखाया था, नहीं नहीं फिर दिखाओ, तो इतनी बार देखता है कि एक बार किसी ने गलती कर दिया, दूसरी बार में पकड़ा ही जाएगा, तीसरी बार में पकड़ा ही जाएगा, चौथी बार में पकड़ा ही जाएगा, गुंजाइश नहीं है निकलने की। तो ये अपने अंदर ही सारा सिस्टम बैठा हुआ है, तो कोई हमारे लिए न्याय करने के लिए दूसरा नहीं बैठा है, हमारा बही खाता लिखने के लिए दूसरा नहीं बैठा है, दूसरा नहीं बैठा है कि तुमको स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है। सब अपने अंदर ही बिल्ट इन मैकेनिज्म है, अपने भीतर ही वो सिस्टम लगा हुआ है, CCTV पूरा अंदर है,
जब आपने इसमें लिखा है कि चित्त जो है वो निरंतर चीजों को पहचान कर उसकी ही जो है उसका सारा क्रिया होती है, तो यहाँ पे जो चित्त के माध्यम से जो चित्रण बन रहा है ये तो सब निरंतर चीजें नहीं, निरंतर चीजें हाँ, क्योंकि चित्त खाली है, क्योंकि भ्रमित मानव का ऊपर वाला माला खाली है, है ना। भ्रमित मानव केवल 4.5-10 में से 4.5 क्रिया में जीता है। जिंदा रहने के धरातल पर ये ऊपर वाला पूरा माला खाली है, हम केवल नीचे की 4.5 क्रिया में काम चला रहे होते हैं। अब यहाँ पे साक्षात्कार है नहीं, लेकिन साक्षात्कार नहीं है ये ठीक है, लेकिन ये लगातार यहाँ उसकी अपेक्षा बनी हुई है, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। बुद्धि में न्याय धर्म सत्य मटेरियल नहीं है, लेकिन सहमति असहमति होने की ताकत उसकी बनी हुई है, वो मार्गदर्शन नहीं करेगा। जब तक मानव में बुद्धि सक्रिय नहीं है, बुद्धि बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बुद्धि में बोध नहीं है, तो बुद्धि मार्गदर्शन नहीं कर सकती है, लेकिन सहमत असहमत होने का काम बना रहता है, वो देखने का काम चालू है, मुंडी हिला देता है, नहीं चाहिए। और बोलिए, बढ़िया बढ़िया, हाँ जी बात हो पाई। देखिए 24/7 जीवन क्रिया मुझ में जारी है, और मेरी तृप्ति अतृप्ति, मेरी खुशहाली, मेरी सफलता, मेरा होना मेरा नहीं होना, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है, है ना। अभी जो हम कह रहे थे कि मेरा दिल ऐसा बोलता है, दिमाग ऐसा बोलता है, वो क्या चीज़ है? दिल ऐसा बोलता है, दिमाग ऐसा बोलता है, तो प्रिय हित लाभ को हम दिमाग बोलते हैं। जब मैं इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ और धन के आधार पर निर्णय लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा दिमाग ऐसा कहता है। जब मैं न्याय धर्म सत्य संबंध के आधार पर निर्णय लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा दिल ऐसा कहता है। ये अंतरात्मा ये है, अंतरात्मा इतनी सस्ती नहीं है कि जो इतनी जल्दी बोल देती है। तो आत्मा तो ऊपर है, और आत्मा में ज्ञान की प्यास है ना, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, तो आत्मा में ज्ञान का प्यास है। आत्मा में ज्ञान का प्रभाव, प्यास का प्रभाव कल्पनाशीलता पे उचित अनुचित सही गलत की पहचान के रूप में, चाहना के रूप में बना रहता है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा हर आदमी सोचता है कि कोई सोचता है। हर आदमी कोई भी गलती करे अपने आप को जस्टिफाई करता ही है कि ऐसा ही करना जरूरी था या ऐसा ही किया जाना था। तो सभी मानव में सही गलत की पहचान, उचित अनुचित की पहचान की चाहना बनी हुई है, और वो अपने से कोई लॉजिक लगा के अपने आप को जस्टिफाई ही करता है, तभी आगे बढ़ सकता है। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनती है कि बेसिकली जिसको हम अंतरात्मा की पहचान बोल रहे हैं, वो उस व्यक्ति में न्याय धर्म सत्य का दृष्टि दूसरों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। तो ये भी एक अच्छी बात है पहचानने की। देखो अब ये क्लियर हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके जो कुछ खोलेगा। अब ये क्लियर हो गया कि धरती के सभी मानव जीवन रूप में मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि सभी व्यक्तियों में, जो भ्रमित मानव में, आत्मा मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, जिसके कारण ज्ञान की प्यास बनी हुई है। तो ये सभी मानव में समान ही है ज्ञान की प्यास, तो सभी मानव में, क्योंकि ये काम मैकेनिकल हो गया, जीवन जो आत्मा रूपी कण है वो सभी भ्रमित मानव में मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, है ना। इसलिए उसकी क्वालिटी यही है कि वो परमात्मा को पहचानता है, परमात्मा में अनुभूत होता है। जब तक वो अनुभूत नहीं हुआ है, इसी को ज्ञान की प्यास में, मूल ऊर्जा को ही ज्ञान कहा गया है। तो आत्मा में ज्ञान का प्यास बना हुआ है। फिर क्यों कुछ लोगों में ये ज्ञान की प्यास बहुत तीव्र दिखाई देती है, और कुछ लोगों में लगता है कि अभी उनको ज़रूरत नहीं है, जबकि नेचर में देखा जाए तो वो सभी मानवों में समान रूप से उपलब्ध है। क्वेश्चन पहुँचा? सभी मानव में आत्मा रूपी मध्यांश कर्ण मूल ऊर्जा में समान रूप से ऊर्जित है, इसलिए सभी मानव में ज्ञान की प्यास समान रूप से उपलब्ध है। फिर भी कुछ मानव में ज्ञान के लिए तीव्रता, अच्छा जीने के लिए तीव्रता दूसरों की तुलना में बहुत कम दिखाई देती है,
और किसी में उस ज्ञान के लिए अपना सर्वस्व लगा दे वो प्रायोरिटी भी दिखाई देती, ऐसा क्यों है? क्योंकि रॉन्ग ज्ञान जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं अपने निष्कर्ष बना लिए हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। बढ़िया, तो रॉन्ग ज्ञान का मतलब है चित्रण में जहाँ सामान से सम्मान, सुविधा से सुख, तो चित्रण में जिस तरह से अभी तक हमने शरीर को भोगा है उसके अभ्यास इतने गहरे हैं, तो दो चीज़ें हैं जो हमको रोक के रखती है। एक बोल रहे हैं पूर्वा अभ्यास, पूर्व के अभ्यास, अभ्यास का मतलब है इंद्रियों को भोगने के अभ्यास। दूसरा बोल रहे हैं पूर्वाग्रह, पूर्व के आग्रह, आग्रह मतलब कंडीशनिंग। तो हमारी अभी तक की कंडीशनिंग और अभी तक हमारी इंद्रियों को भोगने की आदतें, इन दोनों का मेमोरी चित्त में बना रहता है ना? और ये जितने गहरे पूर्वाग्रह हैं उतना ही गहरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में उसका प्रभाव जीवन में कल्पनाशीलता में बना रहता है। तो जिन लोगों में ये जितना प्रभाव ज़्यादा है उतना वो ज्ञान की प्यास की तीव्रता कम है, जितना ये कम हो जाता है का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम होता है। इधर न्याय धर्म सत्य की जो वरीयता है, जो दृष्टि है, ये उसमें थोड़ा ऊपर आ जाती है, तो उतना ही वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है ज्ञान के लिए। बढ़िया, और बोलिए, मैं जो बोलता हूँ वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? पूरा पहुँचता है? बोल के बताओ क्या बोला, अभी जो लास्ट में बोला था वो बताओ। मतलब पूरा या फिर जो भी केवल लास्ट में बोला था, जो तुमको अच्छा लगे वो बोलो। आपने ये मतलब ये समझाया था कि जो वो है ना, जो भौतिक और जो वो आपने जो कल वाला जो डायग्राम बनाया था ना, मुझे तो उसी से समझ में आया कि जो भ्रमित है उसको ज्ञान का जो वो है ना, जो ज्ञान है उसका जिज्ञासा थोड़ा सा कम होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्ञान की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे, जैसे पूरी दुनिया में हम देखें कि कुछ लोगों को ज्ञान की जो जिज्ञासा होती है, मतलब जानना होता है, वो कम जानना होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो वो उसको मान कम पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मतलब जिनका थोड़ा सा जो दिमाग है वो भी उतना एक्सपीरियंस नहीं पा पाया है, या फिर उन्होंने अपनी जो संसार का सब कुछ है, जो भौतिक ज्ञान है, उसको कम माना है, उनको ये सबको समझना ईजी होता है क्योंकि वो मतलब भौतिक जगत की चीज़ों में ज़्यादा डूबे हुए नहीं होते हैं। मुझे तो ये समझ में आया। तुमको अंदर से कैसा फील हो रहा है? मैंने यही बोला था, कुछ और बोला था? मतलब आपने अपने शब्दों में बोला था, मैंने अपने शब्दों में बोला। थोड़ा बोला वही है, थोड़ा थोड़ा ठीक। हाँ जी, तो ये काम मतलब कुल मिला के काम की बात इतनी निकली कि जितने गहरे में मैंने स्वयं को शरीर स्वीकारा है उतना मेरे ऊपर प्रभाव ज़्यादा है, और जितना मैं उसकी समीक्षा कर पाया हूँ, है ना? क्या समीक्षा कर पाया? कि धन सुखी होने का, निरंतर सुखी होने का आधार नहीं है, पद निरंतर सुखी होने का आधार नहीं है, इंद्रियां निरंतर सुखी होने का आधार नहीं है। जितना ये मेरे भीतर ये कोई जगह बन गई है उतना फिर ज्ञान की तीव्रता बढ़ जाती। इसलिए सूत्र है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है ना? इसलिए यहाँ ये भी समझ में आता है क्यों सशरीर ही समझना होता है, बिना शरीर के केवल सुनना होता है ना? इस हॉल में और भी 50 जीवन होंगे, सुन सकते हैं, लेकिन समझना सशरीर होता है, क्योंकि सशरीर जो भी कुछ हमने माना हुआ होता है उसको बार बार भोगते हैं, भोगने से निष्कर्ष आता है कैसा रहा, निष्कर्ष आता है मज़ा नहीं आया, है ना? कितना मन लगा के पिक्चर देखने आते हैं, जब पिक्चर हॉल से निकल रहे होते हैं तो कितने लोग गालियाँ देते हुए निकल रहे होते हैं, और जब जा रहे होते हैं तब उत्साह कैसा रहता है? तो अक्सर ज़िंदगी में यह होता है कि हमारे सपने जितने सुखदाई थे उनकी हकीकत उतना सुखदाई नहीं थी। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
हाँ जी बोलिए। ये ज्ञान की प्यास किसी में ज़्यादा और किसी में कम, ज्ञान की प्यास किसी में ज़्यादा और किसी में कम होती है। हाँ। तो बुद्धि के शरीर का प्रभाव जितना अधिक है उतनी कम होती है। अच्छा। शरीर का प्रभाव जितना कम है उतनी ज़्यादा होती है। बुद्धि के स्तर पर सब एक जैसे हैं, मतलब अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। देखो बुद्धि, अब आप बुद्धि बोल रहे हो तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप चित्त के ऊपर वाली स्थिति का नाम की चर्चा कर रहे हो। जो बोलचाल की भाषा में बुद्धि है वो मन और वृत्ति, कोई मन वृत्ति चित्त कोई बुद्धि बोल रहे हैं हमारी स्मरण। पर ज्ञान तो फिर ऊपर का है। जब तो ज्ञान वाला भाग आ गया, जब बुद्धि जागृत हो गई, फिर तो बुद्धि का ही प्रभाव चलेगा, क्योंकि बुद्धि बड़ी शक्ति है, उसके प्रभाव में सारा चलेगा। और फिर बुद्धि भी तो किसी में कम या ज्यादा हो सकती है ना। वो फिर वही वाला है। अब आप जो बुद्धि बोल रहे हो, मैं जो बुद्धि बोल रहा हूँ, वो दो अलग अलग बातें हैं। किसी में बुद्धि कम किसी में बुद्धि ज्यादा होती है, ये हमारी बोलचाल की भाषा है जिसमें हम ये कह रहे हैं। किसी का तर्क कम होता है, किसी में स्मरण शक्ति कम होती है। जिसकी जो प्रायोरिटी नहीं है वो उसको याद रखता नहीं है ना। नेताजी लोगों को सबके नाम याद रहते हैं क्योंकि उसको पता है इससे वोट लेना है, और बाई नेम नहीं बुलाऊंगा तो उसको अपनापन नहीं लगता है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है। जिसको जो प्रायोरिटी लगता है वो उसको याद रखता है। तो लॉजिक और मेमोरी दोनों को मिला के हम कहते हैं कि इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है। अभी हम बुद्धि को ज़्यादा समय लॉजिक कह रहे थे, जो तार्किक शक्ति है उसको हम बुद्धि बोल रहे हैं। यहाँ तर्क शक्ति को बुद्धि नहीं बोल रहे हैं, वो विचार में आ गया। चित्त के ऊपर की जो फैकल्टी है, जहाँ अस्तित्व के नियम को पहचानने की ताकत है, जहाँ यूनिवर्सल ग्राउंड्स पे सही गलत उचित अनुचित को पहचानने की ताकत है, यहाँ उसको बुद्धि बोल रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क रहता है। तो वो ऊपर की जो बुद्धि है वो निश्चय से सब में बराबर है? वो सब में बराबर नहीं है, उसको अर्जित करना होता है। हाँ, मतलब अर्जित तो वो, तो अर्जित का सब में बराबर क्या है? सोचने समझने की क्षमता सबके पास असीम है, ये सब में बराबर है। अब आपने अपने सोचने समझने की क्षमता कहाँ लगाई है, उससे आप वही पाओगे जहाँ लगाई है। तो जिसने अपने सोचने समझने की क्षमता को, स्वयं को समझना, अस्तित्व को समझना, ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, जिसने अपने सोचने समझने की क्षमता को ऐसा लगाया है, उसमें बुद्धि विकसित होती है। वो अपने पुरुषार्थ से पा सकता है। उसके लिए अपना पुरुषार्थ की बात है। सर, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास का मतलब है, अभ्यास का मतलब है अनुभव की रोशनी में, है ना, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसको जांचते रहना। अनुभव की रोशनी का मतलब है 12-13 बुक्स में अस्तित्व के बारे, स्वयं के बारे जो कुछ भी लिखा गया है, पहला काम है कि वो मेरी मेमोरी में आ गया। अब वो मेरी मेमोरी में आ गया तो टॉर्च अंदर ही लगी हुई है ना, और लगातार मुझको गैप दिखाई देता है। और वो गैप आदमी को, आदमी की महिमा यही है कि उसको कहीं भी अधूरापन स्वीकार नहीं है, तो उसको पूर्ण करने के लिए दौड़ता ही है। और मेरे पास पूर्णता की सूचना है, मेरे पास एब्सोल्यूट मापदंड है। इस तरह से मैं अपनी पूर्णता को धीरे धीरे पाता हूँ। ठीक है, मैं, हाँ जी, कहाँ हो? हाँ, फिर से बोला। हाँ, तो वो बुद्धि जो रूप बल धन पद पाने के काम आती है, उसका नाम आशा विचार इच्छा है, वो कल्पनाशीलता है। तो कल्पनाशीलता से मैं रूप बल धन पद पाता हूँ, तो बेसिकली वो विचार की शक्ति है, वो हमारा लॉजिक है, और वो हमारी मेमोरी है। तो बोलचाल की भाषा में उसी को बुद्धि बोलते हैं। यहाँ जिसको बुद्धि बोला है वो बोध है। सर, थोड़ा पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह के बारे में थोड़ा डिटेल, कोई एग्जांपल देके। कई लोग 50 किलोमीटर चल के पराठा खाने जाते हैं, उनको इतना समय लगाना उसके लिए उचित लगता है। क्या चीज है पराठे का? जो भी सुख है, इंद्रिय सुख है, वो मुझको इतने गहरे में स्वीकार है कि मैं उसके लिए
जितने का पराठा नहीं है उससे कई गुना आपका पेट्रोल और कई घंटे मैं उसके लिए लगा सकता हूँ। दूसरे आदमी को बोलोगे ये उसके लिए बिल्कुल फालतू काम है, ठीक है। तो किसी पराठे के लिए मैं उस रास्ते से निकल रहा हूँ और मुझको पराठा अच्छा लगता है, मैं खा लूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्पेशली पराठा खाने के लिए ऐसे जाता हूँ और मैं हर हफ्ते जाता हूँ। तो इसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोगने के हमारे जितने अभ्यास हैं और उसमें हमारा जो आकर्षण है वो एक शरीर यात्रा का नहीं है, वो पीछे से भी चला आता है। तो फिर इसमें सब कुछ शामिल हो गया। तो तमाम जो भी इंद्रियों से सुख भोगने के हमारे आकर्षण है उसका चित्त पे जितना गहरा प्रभाव है वो चित्त फिर मुझको चलाता है, ना चाहते हुए भी मैं ऐसा जीने के लिए बाध्य होता हूँ, ऐसा करने के लिए बाध्य होता हूँ। तो मैं इंद्रियाँ मुझको नियंत्रित करती हैं, मैं इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। इसका नाम है पूर्वाभ्यास, पूर्व के अभ्यास, है ना। इंद्रियों से सुख पाने के मेरे पूर्व के अभ्यास और उसका मेमोरी में चित्रण और उस चित्रण का मुझको चलाना, वो चित्रण मुझको चलाता है, इसका नाम पूर्वाभ्यास। फिर पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब है कि मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सफल हूँ, है ना, और सब मेरी बात माने। तो जो भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना। अपने आप को श्रेष्ठ मानने के अर्थ में जितनी भी मान्यताएं हैं जो कि एक्चुअली में श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी जितनी भी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं मुझको चलाती हैं और मैं अपने आप को ऐसा मान के जीता हूँ, ये पूर्वाग्रह है, पूर्व आग्रह, है ना, पूर्व के आग्रह। तो पूर्व के आग्रह, आग्रह मतलब कंडीशनिंग, मान्यताएं, और पूर्व के अभ्यास जो कि चित्त में चित्रित रहता है और वो मुझको चलाता है। भैया पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व की बनी हुई इधर हूँ भैया इधर, हाँ, पूर्व में जो पहचान बना ली है हमने अपनी, वही सब, वही पूर्वाग्रह, वही सब। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर चित्त को स्थिर कर लिया जाए, इसी का नाम, फिर इसी से जूझने का नाम चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि है, जो चित्त शुद्धि बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगता है। ज्ञान सरल है, सहज है, उसको सुनना स्वीकार पाने में कुछ देर नहीं है। एक ही शिविर में, आप इस शिविर में हमने कितना काम किया, हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, अर्थशास्त्र पढ़ा, समाजशास्त्र पढ़ा, मनोविज्ञान पढ़ा, है ना, एस्ट्रो क्या बोलेंगे, स्पेस, है ना, ये सब उसमें आएगा। तो दुनिया के लगभग सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट को हमने छू लिया केवल 7 दिन में। इसका मतलब है कि सत्य को सुनना सुखदाई है, सत्य को सोचना सुखदाई है, सत्य कड़वा होता है ये झूठ है। सत्य कड़वा होगा तो वो किसी को स्वीकार नहीं होगा। सत्य वही है जो सदा सदा के लिए सभी के लिए सुखदाई है। सत्य शुद्ध है, सुखप्रद है, अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, है ना। तो सत्य कड़वा नहीं होता है। हम घटी घटनाओं को सत्य मानते हैं, हाँ मैंने तुमको झूठ बोलते हुए देखा था, है ना, ये सब, इसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। भ्रमित संसार की भ्रमित घटनाएं हैं, उन घटनाओं के रिपीट करने को हमने सत्य माना है। तो बेसिकली फिर चित्त शुद्धि की बात करेंगे, तो चित्त शुद्धि के लिए दुनिया तमाम साधनाओं में चित्त शुद्धि के लिए बड़े प्रयास है, है ना। यहाँ एक ही अभ्यास है, न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। दर्शन में न्यायपूर्वक जीना ही साधना है, तो न्यायपूर्वक सोचना, न्यायपूर्वक बोलना, न्यायपूर्वक जीना, उसमें जहाँ भी गैप आए उसको एड्रेस करना, लगातार अपने में परिवर्तन की कामना करना, जो निषेध है वो हमको स्वीकार हो जाए, वो छूट जाए, जो जीने लायक है वो हमको स्वीकार हो जाए, वो हमारे जीने में आ जाए। 12 पुस्तकें घोट के पी जाओ। और भैया विचार जब उठता है तो उसको किस अवस्था में आके रोक दे कि वो चित्त तक जाए ही नहीं, वो संस्कार बने ही नहीं। ये अच्छी बात है। देखिए यदि रोजमर्रा के व्यवहार में देखेंगे तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। कोई समय ऐसा आता है कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकलने वाला होता है और हमारा ध्यान चला जाता है और हम अपने आप को रोक लेते हैं।
इससे बुरी स्थिति है कि बोलने के बाद भी हमको पता नहीं चलता है, सामने वाला चिल्लाना गाना शुरू करता है तो हमको लगता है कि क्या मुझसे क्या गलती हो गई। तो एक स्थिति है कि मैं गलत बोल देता हूँ, मुझको पता भी नहीं चलता है। फिर एक स्थिति है उससे बेहतर, मैं गलत बोलता हूँ और मुझको पता चलता है। उससे बेहतर स्थिति है कि मैं गलत बोलने वाला होता हूँ, मुझको पता चलता है। उससे बेहतर स्थिति है कि मैं गलत सोच रहा होता हूँ, मुझको पता चलता है। उससे बेहतर स्थिति है कि मेरे चित्रण को ही मैं पहचान लेता हूँ कि ये चित्रण मेरे भीतर गलत बैठा है। मैं किसी भी सभा में रह के अपने आप को सेंटर बनाए रखना चाहता हूँ, मेरी ऐसी मान्यता है, ऐसा मैं कहीं पकड़ लेता हूँ, है ना। या मेरे भीतर सामान से सम्मान पाने का जो चाहत है वो गहरा है, ये मैं पहचान लेता हूँ। तो मैं अपने पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह को जो चित्त में चित्रण है उनको पहचानना शुरू कर देता हूँ। कब पहचानना शुरू कर देता हूँ? जब मेरे पास अस्तित्व की सूचना ठीक है। पहचान भी लूँ तो ये ठीक नहीं होता है जब मेरे पास विकल्प नहीं है। तो जब हमारे पास अस्तित्व का पूरा सूचना होगा, अस्तित्व के सूचने का मतलब है सह अस्तित्व है और अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समानंद के, है ना। जब मेरे पास ये पूरा खाका पूरा पड़ता है तो मैं अपने आप को उसमें शिफ्ट कर देता हूँ। मैं उधर छोड़ने नहीं जाता हूँ, मैं सही को पकड़ लेता हूँ और सही के अभ्यास के साथ में हो जाता हूँ। तो कोई पॉइंट के बाद मेरा ये पॉजिटिव वाला बलाबल बढ़ जाता है। इसलिए क्या बोला, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस पे लगातार मैं बना रहता हूँ। अनुभव की रोशनी कहाँ से आई? अनुसंधान से। तो इस अनुसंधान की रोशनी में जो कुछ भी अस्तित्व और मानव के बारे और आचरण के बारे कहा गया है, पहला काम है कि वो मेरे चित्त में डाउनलोड हो जाए। अब वो लगातार लाइट देता ही रहता है, उसमें मेरा अधूरापन दिखता ही रहता है। अब मैं मेरे अधूरेपन को व्यवहार के लेवल पर भी देख लेता हूँ, का विचार के लेवल पर भी देख लेता हूँ, है ना, और चित्त के लेवल पर भी देख लेता हूँ। अधूरापन हमको स्वीकार नहीं है, लगातार उसको करेक्ट करते रहते हैं। और कई बार हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें अंदर से आवाज़ भी आती है गलत है, लेकिन हम फिर भी करते जाते हैं, तो क्या चीज़ दबाव है सुखी होने का? वही मैंने बोला था, मुझको पता है कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन सुखी होने का दबाव है। वो जो अपने भीतर किसी के प्रति द्वेष है ना, वो जो किसी के प्रति क्रोध है, उसके चलते बहुत सारा ऐसा विचार चलता है जो मुझको पता है कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लेकिन वो भीतर से जो पूर्वाग्रह है या जो पूर्वा अभ्यास है, इंद्रियों से सुख पाने के दबाव हैं, और सुख तो मैं होना चाहता हूँ। तो मानव अपने सुखी होने को रोक ले, ये संभव नहीं है। तो सुखी होने का दबाव, ये सूचना रहते हुए भी कि ऐसा करना ठीक नहीं है, सुखी होने का दबाव बोलता है बाद में देखेंगे, अभी तो सुखी हुआ जाए। और भैया, चित्त शुद्धि के कोई प्रोसीजर, कोई साधन? मैं तो बताया अभी, फिर से बता देता हूँ। प्रोसेस उसको देख लेते हैं। देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लाइनें मैं बहुत सारी पहले बोल चुका हूँ, अब एक बार उसको क्रम से सेट कर लेते हैं। एक तो ये हुआ कि हमारी परंपराओं में चित्त वृत्ति निरोध की करने के लिए, विचार शून्य करने के लिए को कहा गया था। वो क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारे चित्त में अभी प्रिय हित लाभ के विचार हैं, प्रिय हित लाभ की इच्छाएं हैं। प्रिय हित लाभ के विचार और प्रिय हित लाभ की इच्छाएं हमको सच्चाई को देखने नहीं देती है, इसलिए उनका गलाई घोटना पड़ता है। इसको चित्त वृत्ति निरोध कहा है। एक बात ध्यान में आ गया कि चित्त वृत्ति निरोध से क्या मतलब है और क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। अब रास्ता क्या निकल आया? जब आदरणीय ए नागराज जी के माध्यम से एक सुखद घटना घटी कि वो अस्तित्व को जैसा है अंतिम सीमा तक वैसा देख पाए और शब्द से कह पाए। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, उनका भाषा पे उतना अधिकार ना हो, है ना, हो सकता है किसी का हो भी, वो बुक में ना लिख पाया हो। तो जो भी पीछे काल में जो भी कुछ घटनाएं घटी हों, तो किसी ने अस्तित्व को जैसा है वैसा नहीं देखा, ऐसा कहने का हमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परंपरा के रूप में प्रमाण नहीं मिलता, कोई बुक में प्रमाण मिले, कोई ऐसा समाज जीता हुआ दिखाई दे, ऐसा प्रमाण हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाए, शब्द शय कह पाए, और हमारे लिए वो सूचना के रूप में उपलब्ध हो गया।
हमने क्या किया, हमने ये काम किया, अभी हमारा चित्त कैसा है? प्रियहित लाभ। अभी मेरे चित्त में प्रियहित लाभ की मेमोरी एक पार्ट है। अब ये शिविर शुरू हुआ, शिविर से न्याय धर्म सत्य की दूसरी मेमोरी भी वहाँ पे पैरेलल आ गई। प्रियहित लाभ का मेमोरी पहले से था ही, अब न्याय धर्म सत्य का मेमोरी भी आ गया। तो पहला काम है न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना, का मतलब है सॉफ्टवेयर का चित्त में डाउनलोड हो जाना, इसको बोला श्रवण। पहला स्टेप है श्रवण। श्रवण का मतलब है सुन पाना, सुनने का प्रमाण है सुना पाना। इसलिए सूत्र पहले भी लिखा था, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो पहला स्टेप है न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। क्योंकि ये तर्कपूर्वक चित्रित हुआ है, इसलिए कहीं से भी करो बात की जा सकती है, है ना? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको बता सकते हैं। तो पहला स्टेप है श्रवण। श्रवण का मतलब सुन पाना। तो अब मेमोरी में, अब चित्रण में क्या हो गया? अब चित्रण में दो तरह के चित्रण आ गए। प्रियहित लाभ का चित्रण पहले से था ही, न्याय धर्म सत्य का चित्रण और आ गया। प्रियहित लाभ का चित्रण क्या कहता है? इंद्रियों में सारा सुख है। न्याय धर्म सत्य का चित्रण क्या कहता है? वो कहता है भाव और विचार की स्थिरता हो सकती है, भाव और विचार में पूर्णता हो सकती है, संबंध में तृप्ति की निरंतरता हो सकती है। अब इन दोनों का विश्लेषण चालू होता है। विश्लेषण चालू होने से क्या क्या हमको स्वीकार होता है? दोनों का विश्लेषण होता है, लगातार विश्लेषण होता है, तो जीवन में ये स्वीकार हो जाता है कि ये न्याय धर्म सत्य, क्योंकि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूँ तो न्याय धर्म सत्य इतना ही आश्वासन देता है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जिया जा सकता है, निरंतर सुख को पाया जा सकता है। धीरे धीरे जितना मैं विश्लेषण करता हूँ, अपने आप में जांचता हूँ, तो क्या घटना घटती है? एक बड़ी घटना ये घटती है, जब केवल मैं प्रियहित लाभ में था तो मेरे प्रियहित लाभ का कंपैरिजन दूसरे के प्रियहित लाभ से हो रहा था। मेरी गाड़ी दूसरे की गाड़ी, मेरी शक्ल दूसरे की शक्ल, मेरी हाइट दूसरे की शक्ल, और मेरी ज़्यादा कि उसकी ज़्यादा। अब दोनों चित्रण पैरेलल आ गया, न्याय धर्म सत्य भी आ गया, प्रियहित लाभ भी आ गया। तो मैं दूसरे से तुलना करने के स्थान पर अपने में प्रियहित लाभ और न्याय धर्म सत्य में तुलन होने लगता है। प्रियहित लाभ और न्याय धर्म सत्य में तुलन होता है तो न्याय धर्म सत्य ये आश्वासन देता है कि सुख की निरंतरता को पाया जा सकता है। इस बीच में भोगने का काम चलता ही रहता है। अब जितनी बार भी मैं इंद्रियों को भोग के देखता हूँ, जितनी बार सामान से सम्मान की तलाश में इच्छाएं पूरी करके देखता हूँ, बार बार न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कहती है क्या निकला, क्या पाया, वो मेहनत इतनी सारी, निकलता छोटा सा है, मज़ा नहीं आया, बेकार था, करने के बाद लगता है बस अब इधर नहीं करूँगा, है ना? क्योंकि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बताते रहती है। धीरे धीरे प्रियहित लाभ का बलाबल, उसका बल कम होते जाता है, न्याय धर्म सत्य का बल बढ़ते जाता है। कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है जब मेरे भीतर ये निष्कर्ष आ जाता है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है और मैं न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना चाहता हूँ। वहाँ पे न्याय धर्म सत्य का दृष्टि प्रियहित लाभ की दृष्टि को डोमिनेट कर जाता है। ये दूसरा बड़ा चेंज आ गया। पहला स्टेप क्या था? न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हुआ कि लगातार शरीर से जीत मानव रूप में जीते हुए, ये जीते हुए मानव रूप में जीना होगा, बार बार भोगना होगा, बार बार उसका निष्कर्ष आएगा, न्याय धर्म सत्य की रोशनी में तुलन होता रहेगा। तो बार बार ये निष्कर्ष आ रहा है, ये प्रियहित लाभ में निरंतरता नहीं है, प्रियहित लाभ में निरंतरता नहीं है। इधर न्याय धर्म सत्य का सूचना सोचने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, और थोड़ी थोड़ी जो उसकी झलक मिलती है ना, मुझ में कोई चेंज आता है, सामने परिवार के मेंबर में कोई चेंज आता है, तो मेरे भीतर एक आशा जगती है, नहीं ऐसा जिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कोई एक पॉइंट आ जाता है जब न्याय धर्म का दृष्टि प्रियहित लाभ को डोमिनेट कर जाता है। न्याय धर्म सत्य का दृष्टि प्रियहित लाभ को डोमिनेट करते ही जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। ये बहुत पावरफुल है। क्या बदल जाता है?
अब मेरे भीतर बड़ी घटना यह घटती है, एक तो दूसरों से कंपैरिजन खत्म हो जाता है, जो अपना स्व मूल्यांकन करने का आधार मिल गया, न्याय धर्म सत्य है ना। लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य को पहचानना, मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध को पहचानना। तो मेरे को जो अपने में एब्सोल्यूट आधार मिला, अब मैं अपनी खुद से ही कंपैरिजन करता हूँ, मेरे को पहले से ज़्यादा क्या समझ में आया, मेरे पहले से गुस्सा कितना कम हुआ, पहले से मैं दूसरों से कितना तुलना करता हूँ, अपने आप में मैं कितना स्थिर रहता हूँ, मेरे भीतर नेगेटिविटी कितनी कम हुई है, दूसरों से तुलना नहीं करता हूँ, उससे कितनी ऊर्जा मेरे भीतर लिबरेट हुई है और मैं अपने आप में डेवलप हो रहा हूँ, ये बहुत आराम का काम लगता है। तो इससे बड़ा काम हो जाता है कि नेगेटिव काम जो बंद हुआ वो ये हुआ कि दूसरों से कंपैरिजन बंद हुआ, पॉजिटिव काम जो बड़ा हुआ वो ये हुआ, अब मेरे तन मन धन का नियोजन जो पहले प्रिय हित लाभ में होता था, अब वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होने लगा। क्या होने लगा? जैसे 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 पहले क्या इच्छाएं थी प्रिय हित लाभ से सुखी होने की, अब क्या इच्छाएं बन रही हैं? जैसे मैं यदि सभा से पूछूं कि इन 7 दिनों के दौरान कितने लोगों में कुछ नई इच्छाओं ने जन्म लिया है, कुछ नई इच्छाओं ने जन्म लिया है, कुछ नहीं आई, कोई नई इच्छा पैदा नहीं हुई? ये देखो, लिख डालिए, इन 7 दिनों के दौरान कौन कौन सी इच्छाएं पुरानी ऐसी थीं जो पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब महत्वपूर्ण नहीं लग रही है, या उसका महत्व पहले की तुलना में कम हो गया है? कौन कौन सी ऐसी नई इच्छाएं हैं जिन्होंने इस 7 दिन के दौरान जन्म लिया है कि अब मुझको ऐसा करना है, मुझको ऐसा जीना है? लिखिए, ना अभी बोलना नहीं है, लिखो, एक बार लिख के देखिए, कौन कौन सी पुरानी इच्छाएं ऐसी थीं जिनके प्रभाव अब कम हो रहे हैं, वो अब उतनी बड़ी नहीं लग रही है जितनी कल तक लग रही थी, और कौन सी नई इच्छाओं ने जन्म लिया है जिनके लिए लगता है कि अब इसके लिए तन मन धन लगाया जाए?
हाँ जी बोलिए भैया। अभी तो मुझे यही कहना है कि जो आप कह रहे हो ना कि किस पर्पज़ में आपको अपना तन मन धन लगाना है, तो अभी तो हम कंप्लेनिंग मोड में रहते थे, दूसरों को बदलने की कोशिश करते थे। अभी मुझे अपना तन मन और धन जो भी है, जितना भी साध्य है, साधन है, जितना भी है, वो सब मुझे अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करने में लगाना है। बढ़िया हो गया, एक नई इच्छा पैदा हो गई है, है ना। तो इसका मतलब है, इसका बढ़िया सूत्र है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है। ऊर्जा का बाहर की ओर बहना ही ह्रास है। ह्रास मतलब विकास का उल्टा। ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। ये जो ऊर्जा का मतलब है आशा विचार इच्छा। तो जब मैं मेरी आशा विचार इच्छा को बाहर से सुख पाने की ओर लगाता हूँ, चिल चिल करते ना, ये ऊर्जा का ह्रास है। यदि मैं सुखी होने के अर्थ में इसको लगाता हूँ, सुख की निरंतरता के अर्थ में लगाता हूँ, यही ऊर्जा को मैंने देख लिया कि बाहर सुख नहीं है, है ना। तो बेसिकली देखो, ये सब बोलने से ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल अब बेस्वाद का खाना खाने लगेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अपने मन के कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये तो ध्यान में रहेगा कि कपड़े से कोई दूसरा चमकता है, ऐसा नहीं होता है। कपड़ा इतना ही होता है कि आपको कोई कलर अच्छा लगता है, आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप अच्छा लगने की सीमा में है। तो इसका मतलब हो गया कि खाना, कोई भी खाना खाते हैं उसमें कोई स्वाद होता ही है। मैं रात दिन खाने के बारे में सोचता रहूँ ऐसा नहीं करता हूँ। जब सामने जो खाना आ जाता है उसमें जो स्वाद होता है वो लेता ही हूँ। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऊर्जा के अंतर्नियोजन का मतलब है कि समाधान बराबर सुख, समझना अपने आप में सुखदायी काम है। आज हमारा सातवां दिन है, रोज कमर सीधी करके ऐसे बैठने का हमारा प्रैक्टिस ही खत्म हो गया है, है ना। इस उम्र के तमाम लोग जिनको कभी, जिनके पीठ में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, ये कुर्सी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इतने सुबह 8:30 से लेके लगभग रोज 7:30, लगभग 7 तक तो हम लगभग कम ज़्यादा बैठ ही रहे हैं, है ना। इतने घंटे लगातार बैठ पाना और लगातार अपने मन को लगाए रखना, ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब मेरे भीतर मेरे साथ सुख का कोई कनेक्ट बना हुआ है। ये सुख से कम में संभव। तो ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है, समाधान ही सुख है, समझना अपने आप में सुखदायी काम है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। तो ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन हो रहा है। अब आप खूब सोच के देखिए, 7 दिन पहले जब आप आए थे उस समय आपकी मानसिक स्थिति और अभी आपकी मानसिक स्थिति में क्या अंतर है? कितने लोगों को लगता है कि अंतर है? ठीक है, क्या अंतर है? भाषा को इसको बना के क्लियरली बताया कि क्या अंतर है। सर, 3 एकदम क्रांतिकारी इच्छाएं परिवर्तित हो गई है, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सबसे पहला है करियर। यहाँ पे आने से पहले करियर एक ऐसा फोकस पॉइंट था जिसके अराउंड सारी चीज़ें चलती थी, तो वो फोकस पॉइंट अब चेंज होकर के मेरी उपयोगिता पे आ गया है कि मैं उपयोगी होऊंगा दूसरे लोगों के लिए, तो करियर बाई प्रोडक्ट होगा एक उसका, और नहीं भी हो तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे करियर उसमें होता ही है। हाँ, तो अपनी उपयोगिता पर ध्यान आ गया, ये इच्छा जग गई है बहुत। दूसरा, सोशल वर्क। यहाँ पे आने से पहले बहुत अवेकेंड यूथ किया और काफ़ी रिबेल टाइप इंसान तो था। समाज सेवा जैसा कुछ नहीं होता है। समाज सेवा जैसा कुछ नहीं है, और तो एक ऐसे टीचिंग की इच्छा आई, अभी एक नई इच्छा आ गई कि अब मैं एक टीचिंग का काम करूं कैसे ना कैसे। देखो, ये एक बड़ी घटना घटती है, ये एक बड़ी घटना घटती है। आज देश के सभी स्कूलों में या तमाम जगह में अच्छे टीचर तो कभी नहीं मिलेंगे। देखो कितना बढ़िया एक सामान्य विश्लेषण है। आज आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से कितने बच्चे उसी स्कूल में टीचर होना चाहेंगे? सरकारी को छोड़ के, सरकारी स्कूल में आप टीचर होना नहीं चाहते हैं, आप सैलरी चाहते हैं। ठीक,
इसका मतलब सारे देश के बच्चों को कौन लोग पढ़ाते हैं, उनसे ज़्यादा कैलिबर के लोग पढ़ाते हैं कि उनसे कम कैलिबर के लोग पढ़ाते हैं? जो उस कैलिबर के थे वो तो वहाँ आएंगे नहीं, वो तो कहीं और जा रहे हैं। तो सारे देश के बच्चों को उनसे कम कैलिबर के लोग पढ़ाते हैं, और देश कहाँ जाएगा? तो पहली बार अब आप प्राइमरी क्लास में 4 लाख रुपए पर मंथ देके तो टीचर लाओगे नहीं, 2 लाख रुपए पर मंथ देके टीचर लाओगे नहीं, और बल्कि प्राइमरी क्लास में ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत है आचरण पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी क्लास में हल्का भी रहेगा चल जाएगा, और छोटी क्लासेस में हमने बेरोजगार लोगों को भर रखा है जो 2,000, 2,500, 5,000, 10,000 रुपए की नौकरी में अपना दो चार घंटा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूरे देश के बच्चे लगभग कम ज़्यादा अयोग्य लोगों के हाथ में चले जाते हैं। कैसे पलटेंगे इसको, कैसे पलटेंगे? तो धीरे से पता चलता है कि समझना समझाना, आदमी बनना और आदमी बनाना सबसे सुखदायी काम है। जैसे ही ये मैसेज समाज में जाते जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी जॉब करे, उसको लगेगा नहीं यार 2 घंटे मेरे को बच्चों के साथ काम करना है, मेरे को किसी कॉलेज में पढ़ाना है, है ना? तो पूरा का पूरा समाज पढ़ाने के लिए, पूरा का पूरे समाज का बड़ा वर्ग होगा। यदि एक स्कूल में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं तो 2,000 एडल्ट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बच्चे के 2 माँ बाप हो गए। इसमें से 500 लोग भी ऐसे निकलेंगे, 200 लोग भी ऐसे निकलेंगे जो अपने बच्चों के स्कूल में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, उनका चेतना अच्छा होगा तो पता चलेगा बच्चे कम हैं, पेरेंट टीचर्स ज़्यादा हैं। तो एक समाज सही अर्थों में वो समाज होगा। समाज का मतलब है सम आज, जहाँ आज और अभी सभी एक दूसरे को समानता के रूप में देखते हैं। तो जब मानव मानव का अध्ययन करेगा, मानव में समानता जगेगी, तो मानव को बनाना, एक आदमी छोटी सी पेंटिंग बना के खुश होता है, एक आदमी छोटी सी मशीन को बना के खुश होता है, एक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का नक्शा बना के खुश होता है, आदमी बनाने की खुशी क्या होगी? एक कंप्लीट आदमी बनाने की खुशी क्या होगी? तो धीरे से अब ये समझ में आता है कि हाँ, तमाम जितनी भी सारी समस्याएँ हैं उनका जवाब दिखाई देता है, क्योंकि नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नेचर हमको डायरेक्टली समझ में आता है और हम मानव के रूप में उसको समझ पाते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा नेचर का स्वरूप है, जहाँ कोई गैप नहीं है, जहाँ कोई कमी नहीं है, सब कुछ न्यायपूर्ण है, सब कुछ ठीक है जी। तीसरा ये भी क्रांतिकारी चेंज है, एक अगर कोई प्रभाव पड़ा है इंडिया में तो मेरे को लगता है वो यही पड़ा है कि इंडिविजुअलिज्म काफी आया है। क्या? इंडिविजुअलिज्म हाँ, व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवादिता जिसको हाँ, कहते हैं हिंदी में हाँ, तो इससे मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है कि परिवार के साथ ही चलना है कुछ भी हो, तो मतलब एक क्रांतिकारी है अपने आप में। थैंक यू। मानव अकेले में मानव नहीं होता, वो परिवार मानव ही होता है। गुड सर। हाँ जी, बढ़िया। सर 7 दिन हो गए शिविर को हाँ। तो मैंने हर दिन के एंड में एक एन अपने में जो चेंज चाहता हूँ मैं इस शिविर के बाद, उस पर मैंने लिखा है। 7 एन है मेरे पास क्योंकि 7 दिन हो गए। फर्स्ट एन है नो कंपैरिजन, सेकंड एन है नो एक्सक्यूजेस, थर्ड एन है नो एक्सप्लेनेशन, फोर्थ है नो एन्जाइटी, फिफ्थ है नो डिस्क्रिमिनेशन, सिक्स्थ है नो डिपेंडेंस, और आज का 7th में लिखा है मैंने नो ग्रीड। मतलब मैंने ग्रीड लालच, तो मैंने 7 एन इन 7 दिनों में शिविर में मैंने सीखा है। जो है नहीं उसको लिखते रहे सर, ये मैंने लिखा है। मतलब अब चेंज चाहिए, मतलब जो है अभी तक ये इसके साथ ये लिखो कि करना क्या है। नो तो लिख दिया, नो तो अपने आप ही हो जाएगा, करना क्या है वो लिखो। ये नहीं काम आएगा, ये अभी अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिसेबल इसमें से कुछ नहीं है, बिल्कुल वो होगा ही। तो ये लिखना पड़ेगा करना क्या है। नो तो ठीक है, यस क्या है? यस सर, ठीक है उसको लिख। हाँ जी, बढ़िया, ठीक हो गया। हाँ बोलो 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 कहीं तो। भैया जैसे अभी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं,
तो कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। मेडिटेशन के नाम पे हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे हैं, लोगों को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं, लक्ष्य का भी अता पता नहीं, और उन वीडियोस को देख करके हम और कन्फ्यूज़न में आते हैं। जैसे ब्रीथिंग को देखना है ना, विचारों को शून्य कर देना, मन का विलय हो जाना, तो ये सब क्या है? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि ये मेडिटेशन कितना रोल प्ले करता है। आप समाज में अच्छा काम करोगे, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर एक पैटर्न है, लगातार आपका थॉट प्रोसेस इस तरफ जाता है कि समाज में क्या गलत हो रहा है और उसका प्रभाव लोगों को कैसे तंग कर रहा है। कुछ भी बोलो आपका फोकस उधर ही जाता है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, पर समझने से ना चूक जाएं ये इसका नेगेटिव पार्ट है। इसमें ऊर्जा का अंतर्नियोजन नहीं हो रहा है, सुना और बाहर की तरफ डाइवर्ट कर दिया, सुना और बाहर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो अभी पहला शिविर ठीक है, अब जब अगली बार कभी आप सुनेंगे, अब पूरी दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही है, मुझको केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और जो कुछ करना है मेरे ही साथ करना है, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। अभी ये जितना फ्रस्ट्रेशन या जितनी नेगेटिविटी वातावरण में मिल रही है, हर बार हमारा ध्यान, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी ऐसा है जहाँ लगातार बहुत सारे बच्चों से बात करना, लगातार उनकी ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं को देखना, और हम भी उसमें शामिल ही होते हैं, तो जो हो रहा है नेचुरल ही है, कोई ख़राब बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको एक पैटर्न दिखाई देता है ना। तो धीरे धीरे ये पैटर्न शिफ्ट होगा, लेकिन यदि ये पीड़ा हमारे भीतर ऐसी है तो ये पॉजिटिव कनेक्ट फ्यूचर में ये बनेगा कि ऐसे लोगों का जब हम समाज की चीज़ों से बहुत पीड़ित होते हैं तो फिर हम उसके सॉल्यूशन किए बिना हमारी तृप्ति नहीं होती, तो ये फ्यूचर में वो गति आपका बन जाएगा। भैया एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे अभी मेरी शिवांशु से बात हो रही थी लंच के टाइम, तो ये सुबह बच्चा बहुत रोया। ये बच्चा क्या हो गया? रो रहा था तो एक्चुअली हाँ, लेकिन उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ IITians हैं, एक वो मुझे नाम पता नहीं है, जैसे इन्होंने क्या किया, अपना एक एम डिसाइड किया कि मुझे IIT करना है, देन UPSC में वो मुझे फाइट करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें, बिकॉज यहाँ जाने के बाद तो कंडीशंस वैसी की वैसी है, कुछ सुधरने वाला नहीं है, है ना। तो हम कोई भी कन्फ्यूज़न या कन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में लेकर के ना जाएं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि करियर भी एकदम से बाहर कुछ चेंज होगा नहीं, ना एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, तो इसलिए बार बार तो ये बात आई है हाँ, कि भाई यदि हम देखो मूल काम है अपने में समझ का होना, समझ के साथ मैं एक IAS बनूंगा तो मेरे काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। एक सामान्य आदमी की तुलना में एक अधिकार संपन्न व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार है चीज़ों को जमीन पे ले जाने का। तो हम IAS बनेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मूल काम ये है कि अब हमको डुअल डिग्री करना है, डुअल डिग्री कोर्स हो गया। अभी एक डिग्री वो है जो मेरे को अपनी समझ की डिग्री पाना है, दूसरी डिग्री वो है जो मैंने मेरी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए जो भी आयाम मैंने सोचा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आयाम मैंने सोचा है उस आयाम में मैं उस समझ को ट्रांसलेट करूँगा, है ना। तो इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, कि पैसा नहीं कमाना है, ऐसा नहीं कहा गया है एक बार भी। आपने सुन लिया है वो आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए इस बात को रिपीट करते हुए फिर हम किसी भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, है ना, और उसकी नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी, उसकी पॉजिटिविटी संसार को जाएगी। मैं तो आपसे बोलता ही रहता हूँ, जैसे तमाम बच्चे अपने भीलवाड़ा वाले आते हैं, है ना, एक एकेडमी के व्यक्ति को वो इंग्लिश कोचिंग एकेडमी है, अब वो सारी इंग्लिश का कोचिंग और सारा स्पोकन इसी में चलता है उनका, तो दोनों काम हो गया, समझ देने का काम भी हो गया, स्पोकन इंग्लिश भी हो गया। अब बच्चे भी बाकी समय में जो उससे जो उत्साह जगता है, कॉन्फिडेंस आता है। देखिए हिंदी सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है शिविर करना, इससे पावरफुल तरीका कोई नहीं। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी हिंदी और ऐसी हिंदी हो जाएगी कि हिंदी वाला शर्माएगा। क्योंकि जब यहाँ बातचीत हो रही है तो आपके भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। एक बच्चा इतने जल्दी इतने सारे शब्द क्यों सीखता है? क्योंकि वो तो कुछ नहीं सीख रहा है, वो तो माँ के साथ है।
वो तो माँ के साथ है, माँ उसको प्यार करती है, प्यार में जो उसको बोलती है उसके साथ चिपक जाता है। तो जब हम भावपूर्ण विधि से कोई शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, भावपूर्ण शब्द हमारे साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं सुखी होना चाहता हूँ, है ना। तो इस पूरी जर्नी में देखेंगे तो अब किसी IAS एकेडमी में तो मेरे को तो लगता है भविष्य में सरकारें ठीक कैसे होंगी, सारे स्ट्रक्चर तो कब बदलेंगे, उसमें देर है, लेकिन पांच ही जगह लोगों को बैठना है। IAS एकेडमी मसूरी है, IFS एकेडमी देहरादून है, जजेस एकेडमी भोपाल है, IRS एकेडमी नागपुर है, IPS एकेडमी हैदराबाद है। पांच जगह पांच आदमी बैठ जाएंगे, देश ठीक हो जाएगा, इतना सा काम। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ बस पर्पस जोड़ देना है, और क्या, हर बार यही बोला है, है ना। और जो भी कोई देखो, कहीं भी कोई किसी भी लेवल पे टॉप पे जा रहा है, उसके पास कोई तो विचार पक्ष तगड़ा है, वो तो फोकस्ड है, है ना। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि हम सभी के पास सोचने समझने की ऊर्जा समान है, अधिकांश लोगों की वो ऊर्जा बिखरी हुई है। जिन भी लोगों की वो ऊर्जा किसी एक दिशा में फोकस्ड हो गई है, उन्होंने बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, भौतिक क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में। जिनको प्रोड्यूस होने की, फोकस्ड होने की आदत होगी, वो कहीं भी जाएगा फोकस्ड ही होगा, वो भी उसकी आदत में है फोकस्ड रहना, तो हम बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो खूब शुभकामनाएं, जम के मेहनत करो, जम के आगे बढ़ो जी। और कोई मेरे कहने में और कोई गैप रहा हो, है ना, जो मुझको पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको पता चल रहा है, तो आप बता दोगे तो मैं ठीक कर लूँगा। मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि उसने IIT करके छोड़ दिया, वो IAS बना लेकिन फिर उसने वो छोड़ दिया, तो जो सुन रहा होता है ना उसके मन में ये नेगेटिविटी आती है कि अरे मैं तो यही करना चाहता हूँ, और अगर उसने पहले ये करके छोड़ दिया उसको वो सुकून शांति नहीं है, इसका मतलब मैं गलत रास्ता तो नहीं चुन रहा हूँ ना, वो वाला एक हो जाता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा, हाँ। लेकिन हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो जो कुछ भी और जो उससे कोई बड़ा सुख उसको मिलता है या दूसरे तरीके से वो उसको पाना चाहता है, तो कुछ बदल देता है। हम शहर बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, स्कूल बदलते हैं, सब तो बदलते हैं, है ना, बेहतरी के लिए ही बदल रहे होते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। बढ़िया, ठीक हो गया। तो मैं जो मैंने क्रम बोला, ब्रेक करना है, अच्छा एकदम जल्दी से ब्रेक हो जाता है। भैया एक और डाउट था, ये मुझे आत्मा शब्द समझना है। ये चाय पिए बिना समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद चाय पी के समझे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मैं